कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के तीन विभाग मिलकर कृष्ण उत्सव के लिए मथुरा को नई नवेली दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। सजे धजे चौराहे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों को कड़कड़ में श्यामा श्यामा की अनुभूति कराएंगे और नई पीढ़ी को ब्रज की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी भी देंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद पर्यटक विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अनूठे कार्यक्रम के जरिए से ये प्रयास किया गया है कि यहाँ आने वाला पर्यटक न केवल यहाँ की चकाचौंध सजावट से प्रभावित हो बल्कि अपने साथ ये संदेश लेकर जाए कि ब्रज की संस्कृति इतनी समुद्रशाली है कि जब यहाँ गायन वायन और नृत्य की त्रिवेणी प्रभावित होती है तो मृग भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। यहाँ ऐसे अनूठे प्राचीन वाद्य यंत्र हैं जो देखने में साधारण महसूस होते हैं मगर उनकी मधुर ध्वनि परेशान मानक को कुछ क्षण के लिए शांति की अनुभूति कराती है। ऐसा ही कार्यक्रम गोकुल और गोवर्धन में भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मथुरा के विश्राम घाट, वृंदावन के केशी घाट तथा गोकुल के ठाकुर रानी घाट को द्वापर का स्वरूप देते हुए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि यहाँ की स्थापत्य कला बेजोड़ है। मेरा नाम ममता है और मैं आई हूँ जयपुर से। वहाँ हमारे श्री श्री राधा गोविंद और रूप गोस्वामी जी ने उनकी स्थापना की और हम जन्माष्टमी से पहले आए लाला को यहाँ उनकी जन्मभूमि दिखाने लाए कि दुनिया को। और मथुरा तो सज रही है जैसे कोई राजधानी से सज रही है। लाला को यहाँ की द्वारकाधीश बन गए थे तो फिर आकर के कंस जी का वध करके फिर विश्राम घाट को विश्राम की जमुना महारानी को पटरानी बनाए और फिर यहाँ की द्वारकाधीश राजा कहलाए। पर याद करते रहे वृंदावन को, याद करते रहे जमुना जी का तट, राधे जी और सभी गोपियाँ सखियाँ सबको। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।